एक टीनेजर को स्केटबोर्डर बनना था, पर एक लड़की से मिलता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या अब वो अपनी जिम्मेदारी से भागेगा या फिर सारे प्रॉब्लम्स का सामना करेगा? क्या उन दोनों का प्यार टिक पाएगा? ये हम आज के हमारी मूवी स्लैम 2017 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर सैम को स्केटबोर्डिंग करता हुआ देख सकते हैं। वो एक लड़की को देखता है जो उसे बहुत ही अच्छी लगती है और किसी से वो टकरा गया और वहीं पर नीचे गिर जाता है। आज रात उसकी मदर को एक पार्टी में जाना था जहां पर आने से सैम मना कर रहा था। मदर को वहां पर ड्रॉप करने के लिए सैम की जरूरत थी। वो कहता है कि कल अगर तुम मुझे बाइक लेकर जाने दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ सकता हूँ। मदर चाहती थी कि सैम अंदर आकर उस पार्टी को एंजॉय करे, पर सैम इसके लिए मना कर रहा था। मदर अंदर आने के लिए उसे 5 यूरो देने वाली थी, इस वजह से सैम मान जाता है। अंदर आकर उसने आसपास देखा तो पार्टी में एक लड़की उसे पसंद आती है। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है एलिस। वो जाकर एलिस के पास बैठ जाता है और स्माइल कर रहा था। एलिस कहती कि क्या मैं तुम्हें फनी लगती हूँ? सैम कहता है कि बहुत सारी चीजें फनी होती है, ऐसी एक चीज मुझे याद आ गई। एलिस कहती कि अब तुम यहाँ पर मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो तो पॉसिबल होने नहीं वाला। वो बहुत ही बोर हो चुकी थी। सैम कहता है कि अगर तुम इतने बोर हो तो यहाँ पर क्यों हो? एलिस कहती है कि घर मेरा ही है, मेरे पेरेंट्स की पार्टी है। उसने फिर कहा कि मेरे रूम में चलते हैं। उसे स्केटबोर्डिंग की वीडियो दिखा दिया। सैम कहता है कि ये तो मेरा पैशन है, उसने वीडियो बहुत बार देखी थी। उन दोनों में कुछ बातें हुई तो एलिस कहती कि हम दोनों को डेट पर जाना चाहिए। सैमुअल को भी अच्छा लगता है। पार्टी खत्म हुई और सैमुअल एलिस के बारे में सोच रहा था। ऊपर से एलिस फिर से उसे आवाज लगाती है, कहती कि मुझे कॉल करना। अगले दिन सैम ने अपने फ्रेंड से बात की और कहा कि मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की मिली, मैं उसके साथ डेट पर जाने वाला हूँ, पर मैं डर रहा हूँ कि उसके सामने मैं कुछ गलत ना कर दूँ। उसे बहुत ही लाइक करता था। उसका फ्रेंड भी उसका मजाक लेता है, कहता है कि तुम्हारी इतनी घटिया सी शक्ल है तो वो भी तुम में क्यों इंटरेस्टेड होगी। सैम और एलिस मूवी का प्लान बनाते हैं और सैम बहुत ही नर्वस था, बहुत सारे ड्रेसेस वो चेंज करता है। उसके बाद वो दोनों कॉफी पीने के लिए आए। एलिस कहती कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता, उसने बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई की पर कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। उसके पेरेंट्स हर एक चीज के लिए उसे सपोर्ट करते हैं। सैम कहता है कि कभी कभी एक चीज को पकड़ कर रखना ये बाद में बहुत ही काम में आता है, जैसे स्केटबोर्डिंग। सिर्फ एक ट्रिक करने के लिए सालों लग जाते हैं, पर जब भी आदमी फेल होता है फिर भी लोग उसे सपोर्ट करते हैं कि एक दिन वो कर दिखाएगा। और जब वो कर दिखाता है तो सब लोग उसके लिए चीयर करते हैं। अपना गेम उसे बहुत ही अच्छा लगता था जिसमें हार जीत ज्यादा मैटर नहीं करती। उन्हें मूवी पर जाना था पर एलिस कहती है कि मेरे घर पर हम चल सकते हैं। घर पर कोई भी नहीं था तो दोनों इंटीमेट होने लग गए। सैम को इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से वो बहुत ही नर्वस है। एलिस उसे पूछती कि क्या तुमने प्रोटेक्शन लाया? सैम कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स के रूम से लेकर आती है। सैम अभी डर रहा था कि शायद एलिस के पेरेंट्स घर पर आ जाएंगे। एलिस इस बात पर गुस्सा होके कहती है कि अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो यहाँ से चले जाओ। सैम सचमुच में जाने लग जाता है। एलिस कहती है कि तुम खुद को समझते क्या हो? मैं इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ तो क्या मेरे साथ तुम नहीं रह सकते? सैम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ जरा नर्वस हूँ। तुमने जब मुझे डेट के लिए बुलाया तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि तुम जैसी लड़की मुझ में इंटरेस्टेड कैसे है। जब से हम फर्स्ट टाइम मिले तब से मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ। एलिस को ये बातें अच्छी लगती है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। इसके बाद वो एक दूसरे से मिलने लग गए थे और उनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल रही थी। एक दिन सैमुअल एलिस के पेरेंट्स से मिलता है। एलिस के पेरेंट्स सैम से पूछते हैं कि तुम्हारा आगे चलकर क्या प्लान है। सैम बता नहीं रहा था तो एलिस ने कहा कि आगे चलकर सैम को कैलिफोर्निया जाना है और वहां पर वो स्केट करना चाहता है। एलिस के पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम्हारी मदर का इस पर क्या कहना है। सैम कहता है कि मेरी मदर हर एक चीज के लिए मुझे सपोर्ट करती है। एक दिन सैम अपनी मदर के साथ डिनर करने के लिए बाहर गया। सैम और एलिस हमेशा साथ रहते थे तो मदर कहती कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? तुम्हारी एज में तुम दोनों को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। मैं जब 16 साल की थी तभी प्रेग्नेंट हो गई थी और इसी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तुम दोनों को जरा केयरफुल रहना चाहिए। सैमुअल की मदर जिस तरीके से हमेशा उसे याद दिलाती है कि 16 इयर्स पर प्रेग्नेंट होना उसकी लाइफ की बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, ये बात सैमुअल को अच्छी नहीं लगती। आज उसका एलिस के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो इस वजह से और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। बाद में एलिस उसे कहती है कि मैं जरा शॉवर में थी और मेरा मोबाइल की बैटरी चली गई थी। इसी जगह पर सैम की मदर एक सिंगल पेरेंट से मिलती है और उन दोनों में बहुत ही अच्छी बातें हुई थी। नेक्स्ट सीन में सैम और एलिस दोनों इंटीमेट हो रहे थे पर वो दोनों उतने ज्यादा केयरफुल नहीं थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम और एलिस सैम की एंड के यहाँ पर डिनर के लिए आए हुए थे।
सैम की एंड भी जब वो 17 साल की थी तभी प्रेग्नेंट हो गई थी और इसी वजह से अपने करियर में वो आगे नहीं बढ़ पाई। उसे एक मॉडल बनना था। ये सब बातें सुनना सैम को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में फिर से सैम एलिस के पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था। उसके फ्यूचर के प्लान्स के बारे में उसे फिर से पूछा जाता है। इस तरीके से अगर वो एलिस को डेट करेगा तो उसके फ्यूचर को उसे सही तरीके से फिगर आउट करना पड़ेगा, फिर अपने पैशन को शायद फॉलो नहीं कर पाएगा। इस बात से उसे घुटन महसूस होने लग गई। उसे बाकी चीजों में फंसना नहीं था, सिर्फ उसे स्केटिंग करनी थी। वो एलिस को इग्नोर करने लग जाता है और जाकर स्केटिंग करता है। पैरेलल में हम देखते हैं कि सैम की मदर एक आदमी को डेट करने लग गई थी। ये वही आदमी था जो डिनर पर उस रात उनसे मिला था। एलिस बार बार सैम को मैसेज करती है पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता। रात में वो डायरेक्टली उसके घर पर आ गई। सैम अपनी मदर से कहता है कि उसे कुछ भी बता दो पर उसे ये मत कहना कि मैं घर पर हूँ। मदर एलिस से कहती कि वो सुबह से घर पर नहीं आया, वो भी उसके लिए वरीड है। मदर आकर सैम को कहती है कि अगर अब तुम एलिस के साथ नहीं रहना चाहते तो उसे सब कुछ सच सच बता दो, इस तरीके से उसे ट्रीट करना सही नहीं है। एलिस ने सैम को मैसेज किया और कहा कि मुझे पता नहीं है कि तुम मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते, पर अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुमसे कॉन्टेक्ट नहीं करूंगी। इसके बाद डायरेक्टली एक मंथ गुजर चुका था। आज सैम का बर्थडे था। उसकी मदर इसके लिए एक्साइटेड थी पर वो जरा थका हुआ था तो सो जाता है। उसे अचानक से एलिस का मैसेज आया। एक लोकेशन पर 11 बजे उसे मिलने के लिए बुला दिया और ये बात बहुत ही अर्जेंट थी। सैम रेडी होकर गया तो एलिस उसे कहती कि मेरा पीरियड आया नहीं है, इसका मतलब है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। सैम कहता कि क्या तुमने कुछ टेस्ट वगैरह किए। एलिस कहती कि मैं डर रही थी, उसे सपोर्ट की जरूरत थी। वो डिसाइड करते हैं कि दोनों साथ में जाकर कल टेस्ट लेने वाले हैं। घर जाकर सैम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसका एक स्केटबोर्डिंग का आइडल था और हमेशा उसके ही बुक्स वो पढ़ा करता था। उस बुक में जब उसे फर्स्ट बेबी हुआ तो वो 24 इयर्स का था। सैम ने रियलाइज किया कि उसके पास कोई भी करियर नहीं है और अपने बेबी के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता। अपने आइडियल की एडवाइस अब उसे कुछ भी काम नहीं आएगी। रात में सोकर जब वो उठता है तो उसने एक टाइम जब मारा था। उसका बेबी हो चुका है और आधी रात में वो रो रहा था। वैलिस के साथ सोया हुआ था। बेबी को अटेंड करने का अब उसका टर्न था तो उसे बेबी को शांत करना पड़ता है। सुबह उठकर उसने देखा तो एलिस की फैमिली के साथ वो रह रहा है। अपने स्कूल को उसने कंटिन्यू किया था। वो घर पर वापस आया तो ओफो से मिलने के लिए उसकी मदर आई हुई थी। वो जब उठती है तो हम देखते हैं कि वो भी प्रेग्नेंट है। ये सब बातें उसके लिए बहुत ही शॉकिंग थी। अचानक से उसकी नींद खुलती है तो ये सब एक सपना था। अब आज उसे एलिस के साथ टेस्ट करवाने के लिए जाना था। वो डर जाता है और अकेले वहां से एक ट्रिप लेने के लिए भाग जाता है। एलिस ने उसे बहुत बार कॉल करने की कोशिश की पर तंग आकर अपना मोबाइल वो सी में फेंक देता है। रात में एक पार्क के पास आया जहाँ पर एक लड़की को अंदर जाने में ट्रबल हो रहा था तो उन्हें वो हेल्प करता है। उन लड़कियों ने कहा कि तुम हमारे साथ चल सकते हो। एक्चुअली वहाँ पर एक पार्टी हो रही थी। पार्टी में एक लड़की से मिलता है, उससे उसने कुछ बातें की पर वो लड़की अगले दिन कहीं और जाने वाली थी तो उनमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ने वाला। सब लोग डांस करते पर बाद में वहाँ पर पुलिस आ गए और उन्होंने सैम को अरेस्ट कर लिया। मदर सैम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। कहती कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड थी, तुम्हारा फोन भी ऑफ था। उसे पूछती कि तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। सैम उसे एक्चुअल बात नहीं बता सकता था तो कह देता है कि फादर और तुम्हारे डिवोर्स की वजह से मैं जरा अपसेट हूँ। मदर कहती कि डिवोर्स हुए 17 साल हो चुके हैं, तुम अब क्यों अपसेट हो। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सब लोग थेरेपी में गए। वहां पर सैम के फादर समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में हुआ क्या है। वो सैम से पूछते कि तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में चीजें कैसे चल रही है, क्या तुम में झगड़ा हुआ था, क्या तुम उसे मार कर भाग गए थे। इस तरीके से बात करना थेरेपिस्ट को अच्छा नहीं लगता और सैम के फादर से वो झगड़ने लग गए। नेक्स्ट सीन में सैम एलिस के घर के बाहर उसे देखने की कोशिश कर रहा था पर एलिस उसके पीछे से आ गए। एलिस कहती कि क्या तुम्हें रिजल्ट जानने हैं। सैम कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता है, अब हमें क्या करना चाहिए। वो इस पर डिस्कस करते हैं और जब एलिस के पेरेंट्स घर पर आए तो उन्हें सब कुछ वो बता देते हैं। एलिस के फादर ने डॉक्टर को कॉल लगाया। उसे कहते हैं कि जितनी जल्दी तुम इस बेबी को गिरा दोगी उतना ही अच्छा होगा। एलिस कहती कि मैं इसे रखना चाहती हूँ। उसकी मदर ने उसे कहा कि हमने तुम्हारे लिए एक पेट लाया था पर वो भी मर गया। तुम छोटे से डॉग को भी घुमाने के लिए नहीं लेकर जा सकती, तुम खुद का खाना नहीं बना सकती, इस बेबी को कैसे संभालोगी। एलिस के फादर सैम से पूछते हैं कि तुम्हारी मदर का इस पर कहना क्या है। सैम कहता है कि मैंने मदर को इसके बारे में अब तक बताया नहीं है। सब लोग मिलकर फिर सैम की मदर के पास गए। वो भी एलिस को समझाने की कोशिश करती है कि इस एज में बेबी होना है बहुत ही डेंजरस है, इस बेबी को प्रोवाइड करने के लिए सैम का भी फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। सैम की मदर उसके साथ अकेले में बात करना चाहती थी पर एलिस के फादर कहते हैं कि तुम्हें जो कहना है यही पर कहो। सैम की मदर इस बात से गुस्सा हो गई और सब लोगों को बाहर निकाल देती है। सैम मदर से पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। मदर कहती कि अब मेरी लाइफ नॉर्मल हो चुकी है। वो फिर भी चाहती थी कि एलिस को अपने डिसीजन को लेकर जरा सोचना चाहिए।
चाहिए। सैम एडवाइस लेने के लिए अपने फादर के पास गया। फादर ने कहा कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड होगा, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सैम कहता है कि मैं भी ये बेबी नहीं चाहता, पर मुझे उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। फादर कहते हैं कि मैंने इस सिचुएशन को हैंडल किया था तो तुम भी कर ही पाओगे। वो चाहते थे कि सैम को बॉय ही हो। वो डॉक्टर के पास गए और उन्हें पता चलता है कि बेबी बॉय है। सैम और एलिस ये दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों मिलकर पेरेंटिंग की क्लासेस पर भी जाते हैं। वहां पर उन्हें बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था तो वहां से भाग गए। रात में वो एलिस के घर पर डिनर कर रहे थे। एलिस के फादर ने पूछा कि जब बेबी हो जाएगा तो सैम कहाँ पर रहने वाला है। एलिस कहती कि हम सब लोग साथ में ही रहेंगे। इस बात को लेकर अपने पेरेंट्स के साथ उसका झगड़ा होने लग गया। सैम की मदर उसके साथ अकेले में बात करती है और कहती कि तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, जब तुम्हारा मन हो तब तुम एलिस के पास आ सकते हो। सैम कहता है कि जो एलिस को ठीक लगे वही होना चाहिए, क्योंकि उस पर मैं पूरी बेबी की जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। उसकी मदर ये बात समझ सकती थी। एक रात जब वो फिर से सोने के लिए गया तो फिर से टाइम जब मारता है। इस बार जब वो सुबह उठा तो अपने घर पर था। उसने एक बेबी गर्ल को देखा, पर ये उसकी सिस्टर थी। आजकल वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उसे एलिस का कॉल आता है और वो कहती कि ओफो को आज वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाना है। एलिस के पास वापस आने के बाद उसे किस करने की कोशिश करता है, पर उसे किस नहीं करने देती, क्योंकि उन दोनों में अब वैसी रिलेशनशिप नहीं थी। उसका बेटा अब जरा बड़ा हो चुका था। उसे देखकर वो बहुत ही सरप्राइज था। ओफो को वैक्सीनेशन लेने के लिए लेकर गया, पर उसे ओफो का रियल नेम पता नहीं था। उसके सरनेम को लेकर भी वो कंफ्यूज हो जाता है। तो हॉस्पिटल की लेडी कहती है तुम्हें कल वैक्सीनेशन के लिए आना चाहिए। हॉस्पिटल से निकलते वक्त उसने एक लड़की को नोटिस किया। उसे लगता है कि शायद वो उस लड़की को जानता है। बाद में ओफो के साथ स्केटबोर्डिंग की जगह पर आ जाता है। वहां पर उसे कहता है कि 2 मिनट यहीं पर रुकना, और वो स्केटबोर्डिंग करने लग गया। उसका ध्यान नहीं था और ओफो उसे कहीं पर भी मिल नहीं पाता। वो बहुत ही ज्यादा वरीड हो चुका था। वो फाइनली उसे ढूंढ लेता है। उसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ओफो उसे बताता है कि मेरा नाम रूफस है। ओफो को ड्रॉप करके सैम घर पर आया। अपनी मदर से रात में वो बात करता है। वो कहता है कि लाइफ में मैं ओवरऑल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। उसकी मदर कहती कि 10 में से तुम 7 पर हो। सैम ने पूछा कि मेरे 3 मार्क्स कहाँ पर गए। मदर कहती कि तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखनी है, वो जब तुम सीख जाओगे तो 3 नंबर्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद जब वो अगली सुबह उठा तो फिर से प्रेजेंट में था। उसका रिजल्ट आया था और वो सब कुछ सब्जेक्ट में पास हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर वो जा सकता है। इसके बाद वो एलिस के साथ हैंग आउट करता है। उसने कहा कि मुझे प्रॉमिस करो कि हम हमारे बेटे को कभी भी ऐसा नहीं बताएंगे कि हमारी लाइफ की मिस्टेक था, वो शायद हमारा जीना बर्बाद कर देगा, पर इसका एहसास हम उसे कभी भी नहीं दिलाएंगे। एलिस भी इस बात के लिए हाँ कहती है। सैम अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में था तभी अचानक से उसे कॉल आता है और एलिस लेबर में थी। ये बात उसकी प्रोफेसर ने भी सुनी थी और वो कहती कि जल्दी से वहां पर चले जाओ। एलिस और सैम दोनों बहुत डरे हुए थे। एलिस उसे गाना लगाने के लिए कहती है। इसके बाद डिलीवरी सक्सेसफुल हुई। एलिस ने सैम से पूछा कि इस गाने का सिंगर कौन है। वो सिंगर देखता है तो सिंगर का नाम था रूफस। इसी वजह से अपने बेटे का नाम उन्होंने रूफस रखा था। उसने सबसे कहा कि हम इसे प्यार से ओफो बुलाएंगे। एलिस के पेरेंट्स और सैम की मदर इस बात पर झगड़ने लग गए कि इसका सरनेम क्या रहेगा। फाइनली एलिस कहती है कि सैम का सरनेम ही हमारे बेटे का सरनेम रहेगा। सैम फिर एलिस के साथ ही रहने लग गया। बीच रात में बेबी रोता था, उसे उसकी जरूरत पड़ती थी तो सैम उसका ख्याल रखता था। एक रात सब लोगों से मिलवाने के लिए उन्होंने पार्टी रखी थी। इस वक्त सैम के फादर भी आते हैं। पार्टी में कुछ लड़कियां सैम से बात कर रही थी तो फादर कहते हैं तुम्हारी छोटे बेबी की वजह से बहुत सारी लड़कियां तुमसे अट्रैक्टेड होगी। सैम कहता है कि मैं तो एलिस के साथ हूँ। फादर कहते हैं कि तुम्हारी रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली। मैं और तुम्हारी मदर जब तुम्हारा ख्याल रखते थे तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहते थे। किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए हमें टाइम ही नहीं था। हम दोनों में दूरियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। सैम उनसे कहता है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। सैम स्टडी करता था और एलिस चाहती थी कि उसे और भी हेल्प करे। इस बात की वजह से उनमें झगड़ा होने लग गया। पहले तो उनमें रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी, पर आजकल वो एक दूसरे के करीब भी नहीं आते। एक रात वो एलिस के करीब आने लग गया, पर एलिस का स्वेटर धुला हुआ नहीं था। तो उसे कहता है कि इससे बास आ रही है। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है। एक दिन सैम की जरा तबीयत खराब हो रही थी तो एलिस कहती है कि इससे बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस वजह से थोड़े दिन के लिए अपने घर जाकर रह सकता है। सैम को इस तरीके से वापस आया देख उसकी मदर जरा वरीड हो गई थी। वो कहती थी कि क्या तुम हमेशा के लिए वापस आ गए हो, तुमने पार्टी में अपने फादर से बात की थी, क्या इसी वजह से तुमने ये सब किया है। सैम कहता है कि तुम भी तो यही चाहती थी। मदर ने कहा कि मैं एज अ मदर तुम्हें बोल रही थी, पर तुम्हारे फादर एक आदमी होने के नाते ये सब बोल रहे थे। एलिस बहुत ही अकेली पड़ चुकी थी, इस वजह से उसे बहुत रोना आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टली 2 साल बीत चुके थे। ये वही दिन था जिसे सैम ने अपने ड्रीम्स में देखा था। वैक्सीनेशन कराने के लिए रूफस को लेकर
आता है। हॉस्पिटल के बाहर वो एक लड़की से मिला। ये वही लड़की थी जो मूवी के फर्स्ट में हमें दिखाई गई थी, जिसे देखते देखते वो अपने स्केट बोर्ड से नीचे गिर गया था। वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। रूफस वहां से भागने लग गया तो सैम भी उसके पीछे पीछे गया। घर आने के बाद एलिस को ढूंढते हुए उसके पास वो बाथरूम में आ गया। एलिस उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। सैम ने कहा कि वैसे भी मेरे पास बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है। इस बात से एलिस गुस्सा हो गई। उसे प्रेगनेंसी की वजह से अपनी बॉडी को लेकर जरा इनसिक्योर लग रहा था। सैम उसे कहता है, तुम पहले जितनी ब्यूटीफुल थी उससे भी और भी ज्यादा अब तुम ब्यूटीफुल लगती हो। इसके बाद वो करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। सैम कहता है कि हम हमारी रिलेशनशिप को और एक चांस दे सकते हैं, पर बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि करना सही नहीं होगा। उनकी लाइफ में डायरेक्शन अलग थी और अपने बेटे के लिए एक अच्छा फ्यूचर वो देना चाहते थे। अगर शायद रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है और वो झगड़ने लग गए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी वजह से एक दूसरे से दूर रहने का डिसाइड करते हैं। रात में सैम अपनी स्केटबोर्डिंग की जगह पर आया, जो ट्रिक वो बहुत सालों से ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, वो फाइनली आज वो कर पाता है। आज रात फिर से उसने टाइम जंप मारी। वो रियलाइज करता है कि जिस लड़की से वो मूवी के फर्स्ट में मिला था वो अब उसकी गर्लफ्रेंड है। आज रूफस का बर्थडे था तो उसे मिलने के लिए जा रहे थे। रूफस अब 4 साल का हो चुका था और उसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसे मिलने के लिए एलिस उसके पास आई, पर अब एलिस का बॉयफ्रेंड है। इस बात की वजह से उसे जरा अपसेटिंग लगती है। थोड़ी देर में एलिस से बात करने के लिए उसके पास गया। एलिस उसे घर में लेकर गई। उसे कहती है कि हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लग गए। इसका मतलब है अब भी उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया था। वो कितना भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करे, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, फिर भी एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।